नहीं अकेला पढ़ने देगा अनुज अपनी अनुपमा को, बना है और बनता रहेगा अनुपमा की ताकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुज और अनुपमा के आगे एक नया टारगेट आया, एक नया झमेला आया जो इमोशनली बहुत ज्यादा तोड़ रहा था उनको, मगर प्रैक्टिकली उनको बहुत कुछ संभालना भी था। अब यहां पे ये जोड़ी कमाल करती है दोस्तों, बिना कहे एक दूसरे की बातें समझ जाती है, तो आज वही हमें देखने को मिला। और इस बार अनुज का पार्ट था समझने का, और वो समझे बखूबी अनुपमा की बात भी और अपने दिल की बात भी। तो इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज और अनुपमा के रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि अनुज ने अनुपमा को प्यार करना शुरू किया कॉलेज टाइम से। क्यों किया, क्यों अनुपमा को प्यार किया अनुज ने, क्यों अनुज की नजरों में अनुपमा आके रुक गई, कोई और लड़की नहीं रुकी। कारण यही था, ये सेल्फलेस नेचर अनुपमा की, जिसमें वो सबको एम्ब्रेस करती है। ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि यही नेचर तो अनुपमा की है, जिसमें वो अपना नुकसान भी कर जाती है मगर अपने रास्ते से नहीं हटती है, किसी का भला करना नहीं छोड़ती है। अब अनुज की नेचर भी कहीं ना कहीं ऐसी थी, इसलिए दोनों का आपस में जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन था। जो अनुज को पता था अनुपमा को पता नहीं था। अनुपमा की शादी होगी, अनुज का दिल टूट गया, अनुज बाहर चला गया, सब कुछ हुआ, मगर अनुज ने एक काम नहीं छोड़ा, वो था अनुपमा से प्यार करना। जिसका मतलब ये निकलता है दोस्तों कि अनुज जितना अनुपमा को समझ चुका है शायद ही कोई और समझे। मुझे तो लगता है जो लिखने वाले हैं शायद वही अनुज है, क्योंकि जितना अनुज के कैरेक्टर में अनुपमा समझ में आती है उतना किसी और कैरेक्टर में नहीं, इवन कि अनुपमा में भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अनुज अनुपमा की एक एक लुक से उसके अंदर की हालत को समझता है, उसकी मानसिकता समझता है। इसीलिए उसके कहने से पहले ही अनुज कह देता है कि हां ऐसा करते हैं, उससे बहस नहीं करता है, उससे आर्गुमेंट नहीं करता है। आपको याद होगा एक टाइम पे अनुज ही था जो अनुपमा को बार बार कहता था कि नो कहना सीखो, नो कहना सीखो। हमें भी अच्छा लगता कि हां नो कहना सीखना चाहिए, मगर जब ये बात सामने आई कि वो नो कह ही नहीं पाती, नेचर होती है अपनी अपनी, उसे नहीं होता है। मैं अपने घर की एग्जांपल आपको बताती हूं, मैं भी अपने यहां पे ऐसी कुछ चीजें देखती हूं। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो सबका ध्यान रखती है, सबके लिए करती है, फाइनेंशियली और सब चीजों में करती है, मगर उसकी सोच क्या है कि अगर 10 लोग बैठे हैं, सबसे बड़ी है वो, अगर 10 लोग बैठे हैं और काम किसी ने बोला है कि हाँ चाय पीते हैं, चलो किसी ने किसी को बोला नहीं कि आप चाय बनाओ, आप चाय बनाओ, नहीं, किसी ने किसी को नहीं बोला, चलो चाय पीते हैं, तो वो फटाफट से उठ जाती है चाय बनाने के लिए। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, हम सब बैठे हैं, मैं भी बना सकती हूँ चाय, तो बोलते पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि जब ये बोलते हैं कि चाय पीनी है सब लोग में से कोई भी बोलता है फैमिली में से, तो मुझे लगता है ये मेरी ही ड्यूटी है चाय बनाना। ऐसी नेचर होती है, ऐसी नेचर एक दिन नहीं बनती है, ये बनती है तो पहले से बनी होती है, आगे उसको आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अनुपमा की इस नेचर को अनुज समझता है कि वो केयर करना नहीं छोड़ सकती, प्यार करना नहीं छोड़ सकती, चाहे कोई उससे कितनी भी नफरत करे। ये जो आज शायद मैं अच्छे से इसको बता पा रही हूं, तो ये है अनुपमा और अनुज की जोड़ी। इसीलिए आज जो सीन हुआ, अनुज भी रुकना चाहता था वहां पे, मगर अनुपमा ने समझाया दोनों घरों का बैलेंस रखना है, उसको भी संभालना है, आप वहां पे जाओ। अनुज ने वहां पे कोई आर्गुमेंट नहीं किया, उसको पता है कि अनुपमा को उस घर की भी टेंशन है, अगर मैं वहां पे चला जाऊंगा तो उसको टेंशन नहीं होगी, जबकि वहां पे अब मालती देवी भी है, वो कम से कम छोटी का ध्यान तो रखेगी, बाकी लोग तो अपना अपना ध्यान रख ही रहे हैं।
वहां पे घर में है कौन जिसका ध्यान रखने, छोटी ही तो है, और कौन है उस घर में संभालने के लिए। तो इसीलिए अनुपमा को यह था कि वहां पे कोई इश्यू ना हो, आप वहां पे जाओ। शब्द कुछ और थे, कहने का मतलब यही था, प्रैक्टिकलिटी यही कहती थी कि वहां पे फिर मुद्दा उठेगा कि शाह परिवार में जाके बैठ के, तो आप वहां पे संभालो, मैं यहां पे संभालती हूं। और अनुज ने इस बात को बिना किसी आर्गुमेंट के माना और वहां पे चले गए, मगर ये कह के कि मैं शाम को आऊंगा। और अनुज के लिए बापूजी क्या है, ये हमने पहले बहुत सारे सीन्स में देखा है, जब दोनों बाप बेटे जैसा प्यार करते हुए दिखाई दिए। तो ये जो असली चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बारीकियां इस रिलेशनशिप की। सेम अनुपमा के साथ है, वो अनुज को समझती है, जो कई बार हम देख चुके हैं, कई बार समझ चुके हैं कि लोगों ने कहा कि अपना हक का इस्तेमाल करो, मगर नहीं, उसको पता था कि लड़ाई रख करके मैं अनुज का प्यार नहीं जीत सकती हूं, प्यार से ही जीतना पड़ेगा, सेक्रीफाइस से ही जीतना पड़ेगा। और आज इसीलिए जोड़ी इतनी करीब है, एग्जाम्पल है। अब जब अनुपमा पूरे थॉट प्रोसेस से पूरा थकावट के साथ है, सबका चाय पानी करके बैठी है और उसको चक्कर आता है, और संभालने वाला कौन है, अनुज है। आप समझ सकते हैं कि उस समय उन्होंने डायलॉग में एक टाइम पीरियड भी बता दिया कि अनुज मिड नाइट में आया है, हो सकता है 2-3 बजे हो, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स की बात की उसने कि वो अटेंड करके सब करके मैं आया हूं, तो वो भी उस जगह पे उतनी मेहनत करके अपनी अनुपमा के पास आया है। इधर अनुपमा भी परिवार के लिए उतनी मेहनत करके थक के गिरने वाली है। दोनों ने एक दूसरे को संभाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी वाली बॉन्डिंग बहुत रेयर होती है, मुझे लगता है बहुत ही रेयर होती है, जब इतनी गहराई से एक दूसरे को समझा जाता है। डायलॉग होते हैं नहीं होते हैं मैटर नहीं करता, मगर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अनुज ने अनुपमा को संभाल लिया और कहा, जो डायलॉग बोला, कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहीं पे खड़ा मिलूंगा। और अनुपमा को अनुज की जरूरत कब नहीं है, हमेशा ही है। और सेम अनुज को अनुपमा की जरूरत कब नहीं है, हमेशा ही है। तो ये जो था सीन, ये दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे की कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। आज अनुज अनुपमा की ताकत बना है, कल अनुपमा अनुज की ताकत बनेगी। तो बाकी जो नेगेटिव फोर्सेस है वो अपना असर दिखाती रहती है, करती रहती है, कभी कामयाब होती है कभी नहीं होती है। अल्टीमेट रिजल्ट यही है जो आज हमें देखने को मिला, कि ये दोनों ऐसे ही है और ऐसे ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे, चाहे वो साथ हो चाहे वो साथ ना हो। तो मुझे अच्छा लगा, मैं ज्यादा ही कुछ इमोशनल होगी इस सीन को लेके, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका क्या कहना है इसको लेके जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।